आज हम लोग जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना। यह मूवी रिलीज हुई थी 4 नवंबर 1994 को और इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने। और इस मूवी के मेन कास्ट में है सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, परेश रावल और शक्ति कपूर। इस मूवी में टोटल 6 गाने हैं और इस मूवी को उस समय 140 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और इस मूवी के IMDB रेटिंग है 10 में से 8.2 और इस मूवी को ऑडियंस ने वोट दिए हैं 5 में से 4.7। और दोस्तों मैं वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि इस मूवी का बजट कितना था और इस मूवी ने टोटल कितने की कमाई की थी। चलिए जानते हैं कि यह मूवी कैसी है और इसकी स्टोरी क्या है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह मूवी 1994 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी यह मूवी देखने में बोर नहीं करती। यह मूवी कमाल की मूवी है। यह मूवी 2.5 घंटे से भी अधिक की है लेकिन जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना तो मुझे लग रहा था कि यह मूवी और लंबी होनी चाहिए, इतना एंटरटेनिंग मूवी है। आजकल की कॉमेडी मूवी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है यार। पहले की कॉमेडी मूवी देखो और आज की कॉमेडी मूवी देखो, काफी डिफरेंट है। पहले की कॉमेडी के देखने का मजा ही कुछ और आता था। आजकल की टेक्नोलॉजी भले एडवांस हो गई हो, अब पहले उतना टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था लेकिन फिर भी पहले की मूवी आप कॉमेडी मूवी देखोगे ना तो कमाल है यार। इस मूवी में मेन जान डालती है इसकी कॉमेडी। इसकी कॉमेडी, इसके लास्ट के एक्शन सीन, इसका स्टोरी एकदम परफेक्ट, लाजवाब। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना राजकुमार संतोषी, इसकी वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने डायरेक्ट भी किया है और स्टोरी भी लिखा है, और क्या स्टोरी लिखा है यार, एक नंबर। जितने भी इस मूवी में काम किए हैं ना सभी ने काफी कमाल है काम, सभी ने अपना रोल काफी अच्छे से निभाया। मतलब इस मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ऐसे ऐसे ट्विस्ट डाले गए हैं ना जो आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। और इसका जो शक्ति कपूर का रोल है ना काफी कमाल का रोल है। एक्चुअली शक्ति कपूर रहता है मोगैम्बो का भतीजा। तो चलिए इस मूवी का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इसका स्टोरी बता देता हूँ, वो भी शॉर्ट में। मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इस मूवी का स्टोरी क्या है और थोड़ा इंसिडेंट भी बताऊंगा जो आपको वीडियो देखने में मजा आ जाएगा। और साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में ही बता दूंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप यह मूवी कहाँ देख सकते हैं। तो चलिए जिंगा बाबा। यह स्टोरी है 2 लड़कों की जिसमें दोनों ख्वाब काफी बड़े बड़े रहते हैं। एक का नाम रहता है अमर, एक का नाम रहता है प्रेम। लेकिन ये दोनों का लोग बड़ी चूना लगाते रहते हैं। तब ये दोनों पेपर में एक एड देखते हैं जो कि एक रईस बाप की बेटी इंडिया आती है शादी करने के लिए, उटी, जिसका नाम है रवीना। तब ये दोनों सोचते हैं कि अगर इससे शादी कर ली तो लाइफ बन जाएगी और ये दोनों निकल पड़ते हैं रवीना को पटाने। तब ये दोनों को भेजना होता है एक बस पे जो ये बस में जाने वाले थे, लेकिन बस में जाते जाते ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और जब ये दोनों रास्ता में नाश्ता करने के लिए उतरते हैं तब एक दुकान में वही एड देखते हैं। तब ये दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक ही लड़की को पटाने जा रहे हैं। तब ये दोनों में पंगा हो जाता है और तब इन दोनों को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन ये दोनों इतने बड़े चोर रहते हैं ना कि दोनों एक दूसरे का पर्स मार देते हैं। लेकिन अमर इतना बड़ा कमीना रहता है ना कि वो जो वांटेड वाला पोस्टर है ना उसमें प्रेम का फोटो लगा देता है जो कि उसे पर्स से मिलता है। लेकिन प्रेम जब देखता है तो वह अपना फोटो निकाल के अमर का फोटो लगा देता है और उसे वहां से फंसा के चला जाता है। फिर उन दोनों का दोबारा मुलाकात होता है एक लॉज में जहां प्रेम पहले से ठहरा हुआ रहता है और फिर अमर उससे बाद में आता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को उस लॉज में देखते हैं तो ये दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं और फिर उसके बाद ये दोनों भेष बदल के जाते हैं रवीना के घर। लेकिन उसमें से एक अमर का दाढ़ी निकल जाता है और वो भाग जाता है लेकिन प्रेम की तो काफी कुटैया हो जाता है। उसके बाद ये दोनों टॉस करते हैं कि दोनों बारी बारी से जाए। फिर अमर टॉस जीत जाता है और वो पटाने जाता है रवीना को, लेकिन रवीना उसे एक डंडा मार देती है और वो बेहोश हो जाता है और वो रवीना उसको अपने घर लेके जाती है। लेकिन ये तो अमर का प्लान था कि वो उसे डंडा मारे और वो नाटक करके उसके घर जा सके। लेकिन प्रेम भी कम कमीना में रहता है, वो डॉक्टर बन के जाता है अमर का इलाज करने के। उसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे के बैंड बजाने में लगे हुए रहते हैं और उसके बीच जो इंसिडेंट होते हैं ना, जो घटना घटते हैं ना, मजा आ जाता। फिर अमर किसी तरह रवीना को पटा लेता है लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो जो रवीना है रवीना नहीं है, करिश्मा है। मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रवीना के साथ एक और लड़की आती है जिसका नाम रहता है करिश्मा और करिश्मा अमीर रहती है और जो रवीना है ना उसके अकाउंटेंट की बेटी रहती है। लेकिन ये बात जब अमर को पता चलता है ना कि वो गलत लड़की को पटा लिया उसकी तो निकल जाती है और प्रेम की ओरिजिनल रवीना सेटिंग हो जाती है और अमर का ओरिजिनल करिश्मा से। उसके बाद ये दोनों उसके बाप को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। लेकिन जो उस लड़की का बाप रहता है ना उसका एक हमशक्ल रहता है और उसका नाम रहता है तेजा जो कि उसका जायदाद को पाना चाहता है, इसलिए उसका बेटी को वो मरवाना चाहता है और उसके लिए वो अपने 2 आदमियों को वहां भेजता है जो कि वो दोनों लड़कियों के साथ में काम करता है। लेकिन वो आदमी रहता है उसका, लेकिन जब वो दोनों उसको मारने की कोशिश करते हैं ना तो अमर उसी का गलती से उल्टा उन लोगों का बैंड बजा देता है। फिर तेजा का प्लान बनाता है कि वो लड़की को नहीं बल्कि उसके बाप को किडनैप करेंगे और फिर सारा पैसा अपने नाम करवाएंगे। लेकिन वो जो लड़की का बाप रहता है ना वो सारा कैश एक हीरे में कन्वर्ट कर लेता है और जब तेजा लड़की के बाप को अपने अड्डे पे कैद करके रखता है तो वो लड़कियों का बाप बन के जाता है बैंक और फिर वो सारा हीरे निकाल के लाता है। तब अमर और
और प्रेम उसके बाप को छुड़ाने के लिए जाते हैं। तब उस लड़की का बाप वहाँ से भाग ही रहा होता है, तो ये दोनों उसे तेजा समझ के उसे मार के उसे लॉकअप में बंद कर देता है, और उसके बाद तेजा इन दोनों को भी उसी लॉकअप में बंद कर देता है। और जब तेजा उन लड़कियों के घर में गया हुआ रहता है तो ये तीनों उन दोनों आदमियों को बेवकूफ बना के वहां से निकल जाता है। तभी मोगैम्बो का भतीजा जिसका नाम है वो सभी को किडनैप करके एक अड्डे पे ले जाता है, लेकिन उस समय वो अमर और प्रेम को किडनैप नहीं करता, बाकी सभी को किडनैप कर लेता है और अमर प्रेम चल जाते हैं इन सभी को बचाने के लिए। और उसमें जो घटना घटता है ना वो लास्ट वाला सीन देखे तो वाकई मजा आ जाता है। उसमें जो प्रेम है ना सलमान खान जो आमिर खान की कॉपी करने की कोशिश करता है ना वाकई लाजवाब है। और एक आमिर खान का डायलॉग है इसी मूवी में, ये जो डायलॉग है ना मैं तो कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं है महापुरुष, वो इस मूवी का ही डायलॉग है। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का बजट था 3 करोड़ और इस मूवी ने कमाई किया था 7 करोड़ 59 लाख का। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।